और सर ओके मैं मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि वो शॉर्ट नोटिस पे आज इधर आए। मसला एक गंभीर मुद्दे का था तो मैंने सोचा कि बोलने का वक्त आ गया है, लेकिन मुद्दे पे आने से पहले सबसे पहले मैं सख्त कड़े शब्दों में खंडन करता हूं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं लास्ट ईयर से, जिसमें सिविलियंस की मौतें भी हुई, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी शहादत दी। पाकिस्तान की इन कायरानीय हरकतों का मैं सख्त खंडन करता हूं, लेकिन हम सबको विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी के जवान हैं, पुलिस है, ऑफिसर्स हैं, वो अनथक सिंसियरली काम कर रहे हैं और ये टेररिज्म का एक नया फेज है, इसको भी वो हैंडल कर लेंगे। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनके घर वालों को हौसला मिले। आज के मुद्दे पर बोलते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा मीडिया के भाइयों ने आए दिन जो एसोसिएशंस की इलेक्शंस होती हैं वहाँ रिगिंग की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। पिछले हफ्ते ही हमारे सोशल मीडिया और मीडिया के भाइयों ने सबने रिपोर्ट किया स्वर्णकार संघ का मसला, वो अभी भी डिस्प्यूटेड हुआ है। और मैं गवर्नर महोदय आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से आज गुहार लगा रहा हूँ कि जितनी भी रजिस्टर्ड एसोसिएशंस की इलेक्शंस होती हैं वो ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डेप्टी कमिश्नर कंसर्न होनी चाहिए कि ना तो हेरा फेरी हो ना विवाद हो। और मैं साथ में मीडिया के माध्यम से भी ये भी बता दूं कि इसमें सबसे पहले लीड कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ली है, जिन्होंने हाल ही में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन किया है कि जो भी फ्यूचर इलेक्शंस होंगी वो डेप्टी कमिश्नर श्रीनगर की ओवरऑल सुपरविजन में होगा। अब मैं बताता हूं कि लास्ट ईयर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की इलेक्शंस हुई मार्च अप्रैल के महीने में 2023 में, उसको कैसे रिग किया गया, मेरे प्रेस नोट में सारे लिखित सबूत भी हैं और मैं बड़ा शॉर्ट तरीके से उसको बयान भी कर दूंगा। मेरे साथ बैठे हुए एक सीनियर मेंबर है हमारे सुनील गुप्ता, जो नेहरू मार्केट वेयर हाउस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इलेक्शंस के तुरंत के बाद इलेक्शन कमीशन को एक खत भेजा जिसमें इन्होंने एलिगेशंस लगाए कि आपने रिगिंग की है और काफी सवाल पूछे। अब मैं शॉर्ट में बोलूंगा क्योंकि प्रेस नोट थोड़ा लंबा है। इन्होंने मेन एलिगेशंस लगाए कि आपने जो पोलिंग टीम अंदर बिठाई वो या तो कंटेस्टेंट्स के रिश्तेदार थे और या दोस्त थे। और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ये सबको याद दिलवा दूं कि 2020 में एक सिविल सूट चैम्बर का जब मैं प्रेसिडेंट था फाइल होता है जिसमें वाईवी शर्मा और पृथ्वीराज गुप्ता जी ने वो सूट फाइल किया, सपोर्टेड बाय सिटिंग प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता। इमीडिएटली केस होने के बाद मेरे चार ऑफिस बेयरर्स जो मेरे साथ 3 साल काम कर चुके थे वो मेरी साइड छोड़ के विपक्ष के साथ मेरे खिलाफ कोर्ट में खड़े हो गए। प्रमुख तौर में उसमें से गौरव गुप्ता भी थे जो उस वक्त सेक्रेटरी थे। तो ये प्रूव करता है कि ये सारे लोगों का एक गठबंधन था मेरे खिलाफ। और लास्ट इलेक्शन में गौरव गुप्ता आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी थे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कहता है इलेक्शन कमिश्नर विल वर्क विद असिस्टेंस फ्रॉम रिटायरिंग सेक्रेटरी जनरल। जो खत इन्होंने लिखा उसका जवाब भी प्रेस नोट के साथ लगा हुआ है उनका, वो बोलते हैं कि वो सब मेंबर थे जो पोलिंग टीम के थे। सुनील जी ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो मेंबर नहीं थे, मगर एलिगेशन थी कि या तो रिश्तेदार थे, फॉर एग्जाम्पल अरुण गुप्ता जी के सगे भाई, सगे साले, सगे कुड़म, सगे संधि, सब पोलिंग टीम का हिस्सा या किसी ना किसी तरीके से अंदर बिठाए गए। फिर इनको सवाल पूछा गया है एक कि प्रेसिडियम के मेंबर्स वाई वी शर्मा जी, पृथ्वीराज गुप्ता जी, ऐसे ये 5-6 आदमी उस रविंदर सानी, अनिल गुप्ता, ये कैसे अंदर बैठे। तो वो जवाब देते हैं कि इनको सुपरविजन के लिए अंदर बिठाया गया। और एक माननीय हमारे सीनियर मेंबर जो आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही उनकी सेहत, मैं माफी चाहूंगा और क्षमा भी चाहूंगा उनसे कि उनका भी नाम ले रहा हूं, यशपाल गुप्ता जी बड़े सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि वो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो इलेक्शन देखना चाहते हैं इसलिए वो भी अंदर थे। तो ओवरऑल आप प्रेस नोट जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारा का सारा फिक्स मैच था और पूरा पोलिंग स्टाफ या उनके दोस्त या रिश्तेदार अंदर थे। उसके बाद चौंकाने देने वाली बात, सुनील जी ने बोला सीसीटीवी फुटेज कहां है, लिखित रूप में वो जवाब देते हैं कि सीसीटीवी फुटेज लेने की वजह से हम बिल नहीं बढ़ाना चाहते थे।
ये इतना ग्रे मामला है, मैंडेटरी अंडर लॉ है सीसीटीवी फुटेज, और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वेन्यू के मैनेजर्स को बोला कि सीसीटीवी बंद कर दो, इनके खिलाफ पर्चा भी लगता है अगर इसको गंभीरता से लिया जाए, ताकि सबूत कोई ना बचे। दूसरा ग्रे मामला है कि पोलिंग हॉल के अंदर मार्कर पेन हमें बोला गया यूज करेंगे, थोड़ी देर के बाद हमने देखा नॉर्मल पेन शुरू हो गए, तो हमने बोला ये क्या है, कहते मार्कर पेन खत्म हो गए हैं, जो आज तक नहीं होता, वो इसलिए किया गया क्योंकि जो बंडल के बंडल रिगिंग के लिए पोल्स प्री टिक लाए हुए थे वो डालने के लिए नॉर्मल पेन यूज किए गए। और आप सब भाइयों ने उस दिन रिपोर्ट भी किया जब सुनील जी ने प्री टिक जो पहले टिक मार के बैलेट वोटर्स को दिए जा रहे थे वो रंगे हाथ पकड़े गए। अब आप मुझे बताइए अगर इस हिसाब से इलेक्शंस होनी है तो आगे का सिस्टम कैसे चलेगा, जम्मू की आवाज कौन बनेगा, जब आप एक पॉपुलर मैंडेट को एक क्रिमिनल षड्यंत्र के करके ऐसे डिफीट करेंगे, तो मुझे लगता है कि माननीय एलजी साहब को इसको गंभीरता से लेना होगा और इमिजिएटली डायरेक्ट करना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को कि इस पे नोटिस इशू किया जाए चैम्बर को, और ये एक्ट में चेंज होनी चाहिए कि जितनी भी इलेक्शंस रजिस्टर्ड सोसाइटीज की होती हैं दे शुड बी हेल्ड अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कंसर्न। आप में से कोई सवाल पूछना चाहे इस पे तो आपने कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स में जो धांधली हुई है आज आप एक साल के बाद इस बात को बता रहे हैं जी, एक साल तक क्यों